हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केजी क्लासेस। टुडे आई शैल टीच यू फिगर्स ऑफ स्पीच 10th स्टैंडर्ड। अ फिगर ऑफ स्पीच इज ए डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए ग्रेटर इफेक्ट। फिगर्स ऑफ स्पीच मे बी क्लासीफाइड एज अंडर। फर्स्ट, दोज बेस्ड ऑन रिजेम्बलेंस सच एज सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एंड अपोस्ट्रोफी। सेकेंड, दोज बेस्ड ऑन कंट्रास्ट सच एज एंटीथीसिस एंड इपीग्राम। थर्ड, दोज बेस्ड ऑन एसोसिएशन सच एज मेटोनिमी एंड सिनेक्डोच। फोर्थ, दोज डिपेंडिंग ऑन कंस्ट्रक्शन सच एज क्लाइमैक्स एंड एंटी क्लाइमैक्स। सिमली, इन ए सिमली ए कंपेरिजन इज बिटवीन मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ different kinds which have however at least one point in common. Example, words are like leaves and where they most abound. Oh my loves like a red rose. Oh my loves like the melody. Next, note, a comparison of two things of the same kind is not a simile. सेकेंड है मेटाफर। अ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमली। इट डज नॉट लाइक द सिमली स्टेट दैट वन थिंग इज लाइक एनोदर और एक्ट एज एनोदर, बट टेक्स दैट फॉर ग्रांटेड एंड प्रोसीडेड एज इफ द टू थिंग्स वेयर वन। एग्जाम्पल, द कैमल इज द शेप ऑफ द डिजर्ट, लाइफ इज ए ड्रीम। नोट, एवरी सिमली कैन बी कंपेरिज्ड इन टू ए मेटाफर एंड एवरी मेटाफर कैन बी एक्सपेंडेड इन टू ए सिमली। नोट, मेटाफर शुड नेवर बी मिक्सड, दैट इज एन ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी आइडेंटिफाइड विद टू और मोर डिफरेंट थिंग्स इन द सेम सेंटेंस। थर्ड, पर्सोनिफिकेशन। इन पर्सोनिफिकेशन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्स्ट्रैक्ट नोशन आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस। एग्जाम्पल, लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड्स। Next, apostrophe. An apostrophe is a direct address to the dead, to the absent, or to the personified object or idea. This figure is the special form of personification. Oh friend, I know not which way I must look for comfort. Next, hyperbole. In hyperbole, a statement is made emphatic by overstatement. I loved Ophelia 40,000 brothers. Next,